अस्सलामुअलैकुम रेसिपीज़ विद मी चैनल में आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में अहमदाबाद की बहुत ही फेमस रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है ये और बहुत ज़्यादा फेमस है ये वहाँ का। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं घुघरू सैंडविच, जिसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे ब्रेड स्लाइस लिए हैं और ब्रेड स्लाइस को हमने इसके एजेस को इस तरीके से कट कर दिया है। ये चारों तरफ से हमने इसको कट करके रखा हुआ है। तो ये हमारे पास में है 6 अदद है, इनको हमने कट करके रखा हुआ है। साथ ही हमने चटनी ली है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये घुघरू की जो चटनी है ये बिल्कुल स्पेशल इसी के लिए बनाई गई है, वैसे आप किसी और चीज में भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमें जरूरत होगी चीज क्यूब्स की, तो हमने यहाँ पर अमूल के चीज क्यूब्स लिए हुए हैं। जितनी जरूरत होगी उसके मुताबिक हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। इसके अलावा हमने अमूल का बटर लिया हुआ है और बटर को भी हमने थोड़ा सा मेल्ट करने के लिए रख दिया था, मतलब ये बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, लगाएं तो आसानी से लग जाए। तो ये हमने फ्रिज में से निकाल कर इसको थोड़ा सा मैंने चम्मच से चला दिया है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ सब्जियां जाती हैं, तो सब्जियों में मैंने एक शिमला मिर्च को बारीक बारीक कट कर लिया है। एक टेबल स्पून हमने यहाँ पर स्वीट कॉर्न ले लिया है। 2 हरी मिर्चें इसको हमने बारीक बारीक कट कर लिया है और एक छोटे साइज़ की अनियन थी इसको भी हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। 2 टेबल स्पून हरा धनिया इसको भी हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। इसके अलावा हमने यहाँ पर ले लिया है 1 टीस्पूनफुल भरकर लिया है हमने यहाँ पे फ्रूट चाट मसाला, इसकी ज़रूरत के मुताबिक हम यूज़ करेंगे। 1/2 टीस्पून हमने यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट ले लिया है और 1 टीस्पून हमने यहाँ पर लिए हैं काली मिर्चों को दरदरा सा कूट लिया है। ज़रूरत के मुताबिक हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है, खाली है ये बाउल, इसके अंदर हम डालेंगे हरा धनिया, शिमला मिर्च, ये सारी चीज़ें जो हमने आपको मेंशन की हैं सारी हम एक साथ कर लेंगे। अनियन को थोड़ा सा बचा दूंगी, मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो 1/2 टीस्पून के करीब डालेंगे हम इसके अंदर। 1/2 टीस्पून ही हम इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला, 1/2 टीस्पून ही हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे ब्लैक पेपर। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, तो यहाँ पर 1/2 टीस्पून ही हम यहाँ चिली फ्लेक्स डाल देंगे, इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छी फीलिंग तैयार हुई है हमारी, बहुत ही शानदार सी, तो ये फीलिंग हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसको असेंबल करेंगे, तो अब हम इसको असेंबल करेंगे। तो यहाँ पर हमने ब्रेड स्लाइस ले लिए हैं, इसके ऊपर हम सबसे पहले बटर लगाएंगे क्योंकि इसको हमने सॉफ्ट किया हुआ है इसलिए आसानी से ये लग जाएगा। वैसे आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस पर हम चटनी स्प्रेड कर देंगे जो कि है सैंडविच की, अच्छी तरीके से डालेंगे, तीनों पे लगा लेंगे आसानी से इस तरीके से। अब इसके ऊपर हम रखेंगे फिलिंग, तो इसके 2 स्लाइस पर हम फिलिंग रखेंगे इस तरह से। वैसे तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं कम या ज़्यादा, इसमें 2 से 3 टेबल स्पून फुल भरकर आ जाएगी आराम से, तो इस तरह से हम रख लेंगे। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे चीज़, तो चीज़ को हमने 1-1 क्यूब्स लेनी है और इस तरीके से इसके ऊपर अच्छे से ग्रेट कर देंगे। ये देखिए आप, चीज़ हमने डाल दिया है। अब इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ऑप्शनल है लेकिन डालेंगे तो देखने में खूबसूरत हो जाएगा, वैसे तो टेस्ट भी अच्छा आएगा। बहुत ही थोड़ा सा डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर पाउडर, 1 पिंच से भी हमने कम ही डाला है, बस थोड़ा सा छिड़कना ही है। अब इस पे डालेंगे हम थोड़ा सा चाट मसाला। अब आप देख रहे हैं कि सैंडविच देखने में भी ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, तो अब इसको उठा करके हम इस तरह से एक दूसरे स्लाइस पे रख देंगे इस तरह, और ये वाला जो स्लाइस है हम इसको उल्टा रखेंगे इस तरीके से। इसे हम थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा और प्रेस होने के बाद में वो हो जाए, सॉफ्ट हो जाएगा, थोड़ा नीचे बैठ जाएगा। अब इस पे लगाएंगे हम थोड़ा सा बटर। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इस तरीके का टोस्टर भी ले सकते हैं, इस तरीके का मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, ये भी ले सकते हैं, या फिर आप इस तरीके के जो पैन होते हैं घरों में सभी के मौजूद होते हैं तो आप इस तरीके के पैन में भी इसको टोस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आज इसको टोस्टर में ही करूँगी। तो इसको उठा लेंगे हम इस तरह, यहाँ रखेंगे टोस्टर, और जो हमने यहाँ से लिया है इसको हम नीचे की साइड रख देंगे इस तरीके से, ताकि ये ऊपर की साइड में हम इसके बटर लगा सकें। तो यहाँ पर हम बटर लगा लेंगे दूसरी साइड भी। अब इसको हम बंद करेंगे, जब इसको बंद करेंगे तो इसके जो किनारे हैं वो थोड़े से निकल जाते हैं, ये देखिए इस तरीके से, तो हम इसको हटा देंगे इस तरह, इस तरह करके हम इसके जो किनारे हैं इसको हटा देंगे और उसको हम करते चलते हैं टोस्ट।
मीडियम टू स्लो फ्लेम पर हम इसको अच्छे से टोस्ट कर लेंगे दोनों तरफ से अच्छा गोल्डन कलर आने तक। देखिए आप, मीडियम टू स्लो फ्लेम हो रहा है हमारा, तो इतने ही फ्लेम पर हम इसको दोनों तरफ से टोस्ट कर लेंगे। इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ही टोस्ट करना है। 1 से 1.5 मिनट हम इस तरफ लगाएंगे, 1 से 1.5 मिनट हम इसको इस तरफ लगाएंगे इस तरह से। एक टोस्ट को हमने दूसरे वाले चूल्हे पर ट्रांसफ़र कर दिया है। इधर हमने बटर लगा लिया है पैन के अंदर। ये इसको हम इस तरीके से, जहाँ से हमारा बटर लगा हुआ है इसको हम यहाँ से कर लेंगे और दूसरी तरफ भी इस पर हम बटर लगा लेंगे, ताकि बटर लगाने के बाद में हम इसको दबा दबा कर दोनों तरफ से अच्छी तरीके से गोल्डन कलर आने तक इसको भी हम इसी तरीके से टोस्ट कर लेंगे। तो दूसरा सैंडविच भी हमारा एक साथ ही तैयार हो जाएगा। इस तरह से दबा दबा के करेंगे तो दोनों तरफ से हमारा बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है, ये देखिए। तो इसको अब हम बाहर निकाल लेंगे और दूसरा भी हमारा फ्राई हो चुका है, बहुत ही अच्छा सा टोस्ट बनकर तैयार हुआ है। ये देखें आप, कितना शानदार कलर आया है। दोनों साइड से हमने इसको ग्रिल कर लिया है, ये देखें बहुत ही अच्छे से ग्रिल मार्क्स आ चुके हैं। तो इसको भी हम कट कर लेंगे और इसको कर लेंगे अब हम प्लेट में। तो सैंडविच हमारे तैयार हो चुके हैं दोनों ही, इसकी हम कटिंग कर लेंगे और इसकी अब हम प्लेटिंग कर लेंगे। ये देखें आप, कितना अच्छा सैंडविच बनकर तैयार हुआ है। ये देखें आप, बहुत ही अच्छा सा इसका कलर आया है, बहुत ही शानदार ये बनकर तैयार हुआ है। इसी तरीके से हम दूसरा भी कट कर लेंगे। ये देखें आप, कितनी क्रिस्पी की आपको आवाज़ आ रही होगी। ये देखें आप, कितना क्रिस्पी बना हुआ है ये। तो अगर आपके पास में ये ग्रिल ना हो तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये देखें आप, कितने शानदार बने हुए हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, खाने का इसका एकदम से दिल कर रहा है। बहुत ही हेल्दी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुआ है ये सैंडविच। आप इसको सुबह के टाइम में बना सकते हैं, अपने बच्चों को लंच टाइम में भी दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी है और टेस्टी है, क्योंकि इसके अंदर सब्ज़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आप इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई करें, रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, मेरे चैनल रेसिपीज़ विद मी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हाज़िर होती हूँ एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपनों का ख्याल। अल्लाह हाफिज़।